हाँ तो नमस्ते और नी हाओ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है यासिन खान और मैं रहता हूँ ताइवान में। स्वागत है आप सभी लोगों का नमस्ते ताइवान यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों नमस्ते ताइवान यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लर्न ऑक्यूपेशन इन मैंड्रिन चाइनीज की सीरीज चल रही है और ये हैगा पार्ट 4। ठीक है, अगर आप लोग नए हो इस वीडियो पर, डायरेक्टली आपने जंप किया है, आपको पता नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर जो आई बटन है उसके ऊपर जो प्लेलिस्ट का जो साइन आ रहा है वहाँ पर आप लोग क्लिक कर इस वीडियो के पार्ट 1, 2, 3 तक पहुँच सकते हो और उसके बाद आप पार्ट 4 देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिखा रहा हूँ कि जो भी जो ऑक्यूपेशन के नाम है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, पेंटर, साइंटिस्ट, आर्मी मैन, उसको चाइनीज में कैसे कहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इस वीडियो में सबसे पहला यहां पर आता है ऑक्यूपेशन, वो है साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट, क्योंकि पिछले जो 3 पार्ट थे उसके अंदर मैंने 6-6-6 कर 18 जो ऑक्यूपेशन के नाम मैंने सिखा दिए हैं। इस वीडियो के अंदर भी मैं कुछ 6-7 ऑक्यूपेशन के नाम आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो टोटल आपका 24-25 टाइप के, 24-25 आप लोग सीख जाओगे, जो मेनली जो ऑक्यूपेशन है जो आप जब बाहर जाते हो तो देखते होगे। ठीक है, तो चलिए साइंटिस्ट को हम लोग चाइनीज में क्या कहेंगे। सबसे पहला यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसको यहाँ पर इंग्लिश में साइंटिस्ट, हिंदी में वैज्ञानिक, और जो चाइनीज का जो पिनियन है वो मैंने लिखा हुआ है, और जो पिनियन का जो मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है हिंदी के अंदर वो भी यहाँ पर है, और जो ओरिजिनल जो चाइनीज ट्रेडिशनल लैंग्वेज है वो भी मैंने यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, साइंटिस्ट को हिंदी में हम लोग बोल देंगे वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक को हम लोग चाइनीज में कहेंगे यहाँ पर, देखिए ख शुए ज्या। नाम थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने नाम के बीच में प्लस लगाया हुआ है, उसको ब्रेक किया हुआ है ताकि आपको सीखने में आसानी हो जावे। ठीक है, ख शुए ज्या, ठीक है, ख शुए ज्या यानी साइंटिस्ट या तो फिर वैज्ञानिक बोल दो। ठीक है, ख शुए ज्या, क्या है ये, ख शुए ज्या यानी वैज्ञानिक। ठीक है, ख शुए ज्या यानी वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे यहां पर आता है, देखिए पेंटर चित्रकार। ठीक है, चित्रकार, उसको क्या बोलेंगे हम चाइनीज में, यहां पर देखिए हुआ जिया, क्या बोलेंगे, हुआ जिया यानी पेंटर यानी चित्रकार, हुआ जिया पेंटर यानी चित्रकार, हुआ जिया बिल्कुल इजी है पेंटर के लिए, यहां पर देखिए हुआ जिया यानी पेंटर चित्रकार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब आता है बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन को हम लोग बिजनेसमैन को सबसे पहला हिंदी में कारोबारी कहेंगे, और इस कारोबारी को हम लोग चाइनीज में यहां पर कहेंगे शांग रन। ठीक है, बिल्कुल इजी है ये जो वर्ड्स था, जब मैंने सीखा था नया नया जब मैं यहां पर था, ये मेरे लिए बहुत इजी था सीखने के लिए। ठीक है, शांग रन, ठीक है, शांग रन यानी बिजनेसमैन, शांग रन यानी बिजनेसमैन। ठीक है, यहां पर देखिए शांग रन यानी बिजनेसमैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सिंगर यानी गायक। ठीक है, सिंगर गायक, उसको हम लोग देखिए चाइनीज में कैसे कहेंगे, यहां पर ग शो, यहां पर देखिए ग शो यानी सिंगर। ठीक है, ग शो यानी सिंगर, ग शो यानी सिंगर, ग शो यानी सिंगर यानी गायक। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो नमस्ते ताइवान यूट्यूब चैनल है आप उसके प्लेलिस्ट पर आप लोग जा सकते हो, वहां पर मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है बिल्कुल अच्छी तरीके से, हर चीज को जो बिलोंग्स करती है, जैसे कि टेबल, कुर्सी, फर्नीचर, लेट्स एग्जांपल उनका नाम हो गया, जैसे कि सीजन्स के नाम हो गए, गर्मी, बरसात और ठीक है उनके नाम हो गए, मैंने इन सबके पार्ट्स बनाए हुए हैं और उनके मैंने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, अब अगर जो नमस्ते ताइवान यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट को आप लोग विजिट करते हो तो वहां पर आपको बहुत ही आसानी से पार्ट्स के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, जिस टॉपिक के ऊपर आप सीखना चाहते हैं उस टॉपिक के ऊपर आप लोग वहां पर जाके डायरेक्टली सीख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिंगर हो गया, ग शो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। ठीक है, यहां पर देखिए मैकेनिक, अगला आ गया मैकेनिक, जो गराज में जो लोग काम करते हैं मैकेनिक, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग हिंदी में यंत्र प्रवीण, यंत्र प्रवीण। ठीक है, ये हो गया मैकेनिक। मैकेनिक को हम लोग चाइनीज में देखिए कहेंगे बिल्कुल इजी है, जी शिये है ना, बिल्कुल इजी, देखिए 2 पार्ट के अंदर है, जी शिये यानी मैकेनिक, जी शिये यानी मैकेनिक, जी शिये यानी मैकेनिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैकेनिक, यंत्र प्रवीण, जी शिये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलर, ये आखिरी है शायद, टेलर, दर्जी, दर्जी को हम लोग आजकल पता नहीं कि लोग आजकल तो लोग शायद रेडीमेड ही कपड़े लेते हैं, लेकिन जो मैंने बस ऐड कर दिया क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, टेलर यानी दर्जी। ठीक है,
दर्जी को हम लोग यहाँ पर कहेंगे छाई फंग, क्या कहेंगे छाई फंग यानी दर्जी, ठीक है छाई फंग यानी दर्जी, ठीक है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है छाई फंग यानी दर्जी, ठीक है छाई फंग यानी दर्जी, ओके। हाँ दोस्तों, जो ये पार्ट फोर था, इस पार्ट फोर के साथ ही जो ऑक्यूपेशन की जो सीरीज थी वो आज खत्म हो गई है यहाँ पर। और अगर आप लोग तकरीबन आप लोग सीख जाओगे 25 ऑक्यूपेशन के नाम, अगर जो आप लोग जो सीरीज को जो पहले पार्ट से आप लोग जो फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो चाइनीज सीखना चाहते हैं, ठीक है, और वो सीख कर चाइना हांगकॉन्ग मकाओ में जाना चाहते हैं काम करने के लिए या तो फिर स्टडी करने के लिए, ठीक है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है ताइवान में, चाइना में, मलेशिया में, मकाओ में, हांगकॉन्ग में और सिंगापुर में, ठीक है। मलेशिया और सिंगापुर के अंदर, तो मलेशिया के अंदर जो बोली जाती है वो मले भी बोली जाती है लैंग्वेज, सिंगापुर में इंग्लिश भी चलती है, हांगकॉन्ग में भी इंग्लिश चलती है, लेकिन वहां पर भी अच्छी खासी चाइनीज कम्युनिटी है जो चाइनीज बोलती है, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग ताइवान या तो फिर चाइनीज लैंग्वेज, देखिए रिगार्डिंग ताइवान पूछना, बाकी हांगकांग मलेशिया मकाओ के बारे में मत पूछ लेना, चाइना के बारे में मत पूछना, क्योंकि मेरे को पता नहीं है, मैं ताइवान में रहता हूं, तो आप ताइवान के बारे में मेरे को यहां पर पूछ सकते हो। और रिगार्डिंग चाइनीज लैंग्वेज के बारे में भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप मेरे को बता सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर जाके डायरेक्टली आप मेरे को मैसेज सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को। अलविदा, बाय बाय और जय जय।